दहेज के लोभी ससुर ने अपनी बहू को चौथे माले से फेंका है। यह घटना न्यू नरसाला की है। आरोपी ससुर भीमराव तामगाड़ के फिलहाल फरार है और हुडकेश्वर पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है, तो वही पीड़िता बहू करिश्मा मौत से जूझ रही है। आए दिन दहेज को लेकर ससुराल वाले नई नवेली दुल्हन को प्रताड़ित करना, उसको आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करना। अगर इतना करने से भी दिल नहीं भरता है तो अपनी बहू को चौथे माले से नीचे धक्का देकर फेंक देना, ऐसी घटना भी हो रही है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही एक पीड़ित बहू की, जिसे उसके ससुर ने चौथे माले से फेंक दिया, जिससे पीड़ित बहू मौत से जूझ रही है, बेड पर दिखाई दे रही है। यह है पीड़ित बहू, जिसका नाम करिश्मा साकेत तामगाड़ के है। करिश्मा के पति साकेत पुना में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो करिश्मा भी कंप्यूटर इंजीनियर है। करिश्मा मिहान में कंप्यूटर इंजीनियर का काम करती थी। करिश्मा और साकेत की 3 महीने पहले शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद से पति साकेत और उसके परिवार वालों ने करिश्मा से मायके से दहेज लाने का दबाव बनाया। इस बात को लेकर पति साकेत और उसके पिता भीमराव तामगाड़गे करिश्मा को गाली गलौज करना, उसकी तोहीन करना और मारपीट भी करते थे, ऐसा आरोप पीड़िता करिश्मा ने लगाया है। जिस दिन करिश्मा का पति साकेत पुना में था, उस दिन भीमराव तामगाड़गे ने करिश्मा को चौथे माले की बालकनी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। किस्मत अच्छी थी कि करिश्मा का काल आया था, लेकिन समय नहीं आया, जिससे करिश्मा मौत के मुंह से तो जरूर बची, लेकिन इस घटना से करिश्मा की रीढ़ की हड्डी, पाँव की हड्डी और हाथ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है। अब तक करिश्मा का शहर के एक अस्पताल में 4 बार ऑपरेशन हो चुके हैं। करिश्मा इस घटना से तिल तिल मर रही है। करिश्मा ना हिल सकती है और ना ही उठ बैठ सकती है। रीढ़ की हड्डी इस कदर टूट चुकी है कि करिश्मा चाह के भी हाथ पाँव नहीं हिला सकती। उसका जीवन बेड पर मानो एक जिंदा लाश की तरह बन गया है। पीड़ित करिश्मा के मां ने हमारे संवाददाता को पूरी आपबीती बताई। अब तक करिश्मा के कई एक्सरे निकाले गए। इतना ही नहीं तो ट्रीटमेंट के लिए 7.5 लाख से ज्यादा रुपए लग चुके हैं। पीड़ित करिश्मा को न्यू नरसाला स्थित मां शारदा कॉम्प्लेक्स प्लॉट नंबर 13 के चौथे माले से आरोपी ससुर ने धक्का देकर करिश्मा को फेंका था। इस बारे में करिश्मा की माँ और पीड़ित करिश्मा ने BCN समक्ष जानकारी दी है। त्यांच्या घरचे लोक तिला म्हणजे एक मुलकरीण म्हणून असं कसं वागवतात, त्याप्रमाणे तिला असे वागवत होते पूर्ण घरचं वातावरण। आणि जो सोनं कार केले पैसे वो खुद बोलला, सगळं त्यांनी असं म्हटलं। आणि त्याच्यासाठी तिला शारीरिक आणि मानसिक त्रास देत होते। तो नवरास रात्रीसुद्धा तिला म्हणजे असं गाल पकडून म्हणजे मारण्याचा, याच्यात तिला म्हणजे इतके घाणेरड्या याच्या शब्दात पण शिव्या द्यायचा, तो शिवीगाळ करायचा। आणि सासरासुद्धा अंगावर अंगावर म्हणजे मोबाईल हिसकून मारायच्या, तिला हे करायचा। इस घटना से नागरिकों में और रिश्तेदारों में तीव्र नाराजगी है। पीड़ित करिश्मा को दिलासा देने के लिए कई रिश्तेदार भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस घटना की शिकायत हुडकेश्वर थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने FIR में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान के तहत कलम 307, 498, 504, 34 आदि लगाए है। आरोपी ससुर फरार बताया जा रहा है। इस दिशा में पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। बाकी आरोपी को बेल दी जाने की खबर है। इस पूरी घटना में पीड़िता करिश्मा मौत से जूझ रही है। बेड पर वो एक जिंदा लाश बनी हुई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही कई महिला के संगठन करिश्मा की ताकत बनकर आंदोलन कर रही है। आए दिन दहेज को लेकर कई घटनाएं हो रही है। इसकी रोकथाम होना बेहद जरूरी है। करिश्मा की हालत देखी नहीं जाती, उसकी नम आंखें सब बातों को बयां कर रही है। इस घटना को लेकर बहुत जल्द ही नागपुर के CP अमितेश कुमार से पीड़िता के माँ और रिश्तेदार मिलने वाले हैं। आए दिन पति पत्नी के बीच में कई बात को लेकर अनबन जारी होती है, लेकिन क्या इस घटना से कोई सबक ले सकता है? क्योंकि ऐसी एक घटना हुई है नागपुर शहर के अंदर में, जहाँ पर पतिदेव के पिता ने यानी ससुर जी ने अपने बहू को चौथे मंजिल से फेंक दिया है, जिसके चलते वो लड़की की क्या हालत है हम आपको बताएंगे और लड़की से और उस पीड़िता की माँ से भी बात करेंगे। आइए हमारे साथ। मैम ये बताइए कि किस प्रकार की घटना हुई है, क्या कहना चाहोगी, अब आप क्या चाहती हो? सर, माझ्या मुलीला 4 महिने लग्न झालं तेव्हापासून मानसिक आणि शारीरिक छळ, यांच्या घरचे प्राची राहुल वासनिक, नवरा साकेत तामगाळगे, सासरा भीमराव तामगाळगे आणि सासू ललिता तामगाळगे, माझ्या नंदोई राहुल वासनिक, हे सगळे माझ्या मुलीला इतके शारीरिक आणि मानसिक छळ करत होते की तिला दहेज
तुझ्या मम्मीने हे नाही दिलं, तुझ्या मम्मीने 10 लाखाची एफडी नाही दिली, 20 लाखाची गाडी, सोनं, एसी पासून तिला इतका त्रास देत होते की तिला मारझोड करून, म्हणजे तिला इतकं हे करतो की तू कोणाला तिसऱ्या व्यक्तीला जरी सांगशील तर आम्ही तुला मारवट, तुला डिवोर्स देऊ, असं करून त्यांनी एक दिवस इतकी हद केली की 23 डिसेंबरला दुपारी 11 वाजतापासून तिच्या बेडरूममध्ये सगळे खुर्च्या टाकून बसून तिला खूप म्हणजे खूप टॉर्चर करून तिला इतका त्रास दिला. नाही, आपले जो आरोप लागाय की ससूर नाही फेकाय उसके बारे में बताइए. आणि त्यांनी शेवटी सासऱ्याने तिला बाल्कनीतून 4th माळ्यावरून ते धक्का देऊन तिला खाली पाडले. आणि माझी मुलगी आज इतक्या अशा कंडिशनमध्ये आहे की तिचे पूर्ण रीडकी हड्डी तुटून कमरेपासून पूर्ण पायाने अपंग झाली होती. अजूनही ती मृत्यूशी झुंज देत आहे हॉस्पिटलमध्ये. आता तिची कंडिशन खूप खराब आहे. आजपर्यंत माझ्या मुलीला 7.5 लाखाचं पर्यंत खर्च झालेला नाही. अजूनही तिचे ऑपरेशन बाकी आहे आणि ते अजूनही मृत्यूशी झुंज. मला असं वाटतं की त्यांना अटक व्हावी आणि आरोपी यांना सगळ्यांना सजा मिळावी, हीच शिक्षा मिळावी असं माझी एकच हे आहे. आणि माझ्या मुलगी खूप याच्यामध्ये. हम जब पीडिता की माँ से बात करना चाहा तो शब्द नहीं निकल रहे थे, आप समझ सकते हैं. अब हम खुद जिनसे ये वारदात हुई है इसी पीड़ित बच्ची भी हमारे साथ में है. मैम क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगी? मेरा नाम करिश्मा साकेत रामगढ़ के है. मेरे हस्बैंड बिल्कुल मेरे साथ अच्छे नहीं रहते थे, बात नहीं करते थे. उन्होंने बोला कि मैंने शादी मेरे मम्मी पापा के लिए की, उनको बहू चाहिए थी तो बहू ला के दी. मुझे शादी नहीं करनी थी, प्यार व्यार के हो. उस दिन 11 बजे खाना वाना खाने के बाद मैं मेरे बेडरूम में लेटी थी तो मेरे हस्बैंड ने 2-3 दिन से मुझे फ़ोन नहीं किया था कि वो पुणे में गए थे, तो अपनी मम्मी को किया और मुझे नहीं किया. तो मुझे थोड़ा रोना आ रहा था तो मैं रो रही थी. तो मेरे ननद, सास, ससुर सब आए मेरे रूम में और मुझे इतना टॉर्चर कर रहे थे, इतना बड़बड़ कर रहे थे. तेरे मम्मी ने दहेज, तेरे मम्मी ने 10 लाख की कार एफडी नहीं दी, 20 लाख की कार नहीं दी, सोना नहीं दिया, ये नहीं दिया. बहुत ये कर रहे थे. तेरे रिलेटिव्स ने हमको खाने में नहीं बुलाया, इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया मुझे. और फिर आपको धक्का किसने दिया? मेरे ससुर ने. क्या आपने आंखों से देखा धक्का देते? हाँ, मेरे ननद ने मुझे चाय ला के दी. मैंने बोला मुझे नहीं पीना, तो मैं बालकनी के दरवाजे में खड़ी थी. तो मेरे ससुर मुझे ज़बरदस्त से चाय पिला रहे थे, बोले पी और पीछे लेके उन्होंने मुझे ढकेल दिया. मेरे ससुर उस दिन बहुत मेरे आँख पे आ रहे थे, मेरा मोबाइल खींच रहे थे. क्या नाम है ससुर का? भीमराव तामगाड़. अब आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले, अरेस्ट करे, क्योंकि मैं बहुत तड़प रही हूँ. मेरी हालत बिल्कुल ही, मैं चल नहीं पा रही हूँ, जा रही हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ. सबको सजा मिलनी चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए. क्या नाम है आपका? करिश्मा तामगाड़गे. करिश्मा तामगाड़गे, जिन्होंने ऐसा बताया है कि किस तरह से ससुर ने उन्हें 4th मंजिल से धक्का दिया, जिसके चलते वे पूरी तरह से अपाहिज हुई है और बेड पर मौत से जूझ रही है. क्या ऐसे में सरकार ध्यान देगा? क्या ऐसे में पुलिस प्रशासन ध्यान देगा? और ऐसे पीड़ित महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, इसके इंतज़ार में पूरा देश राह देख रहा है. मगर एक बात तो तय है कि आए दिन जिस प्रकार से घटना होती है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. ऐसे में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कठोर से कठोर कार्रवाई उसके ऊपर में की जाए, यही पूरे महाराष्ट्र की मांग. कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, NBC News, नागपुर.